अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अली तारिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लिपिंग। तो GCUF के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है क्लिपिंग का। तो स्टूडेंट, इस क्लिपिंग को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डन विद मोहसिन अली यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाला लेटेस्ट लेक्चर सबसे पहले आपको मिल सके। बगैर वक्त जाए कि क्लिपिंग की तरफ बढ़ता हूँ कि क्लिपिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आपको दी होगी कि सपोज एक आपके पास लेफ्ट साइड पे एक कॉर्नर पे पड़ी हुई है विंडो, और एक राइट साइड पे है, उसके जो है एक्स एक्सिस पे जो है एक्स ये है, वाई ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो ये एक विंडो है, इसको आप क्लिप करेंगे, ठीक है। और आपके पास लाइन वन क्या है, वन और वन है, ठीक है, माइनस टू और थ्री है। तो x है, y है, इसको मैं x और y की फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टूडेंट, ये तो आपने करना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए x मिनिमम। x मिनिमम कैसे मिलेगा कि ये देखिए, ये जो हमें लाइन के अंदर दिया हुआ है तो उसके अंदर माइनस थ्री क्या है, मिनिमम है, सबसे छोटी वैल्यू है माइनस थ्री। तो x विंडो का मिनिमम है माइनस थ्री, ये एक तो फाइंड आउट कर लेना यहीं पर, ठीक है। और x विंडो का मैक्सिमम 2 है और y विंडो का मिनिमम 1 है और y विंडो मैक्सिमम 6 है, ये 6 है। अब जरा विंडो आपने ड्रॉ करनी है, तो ये देखिए माइनस 3 है, तो माइनस 3 से आपने लेना है, माइनस 3 के बाद है 1, तो ये देखिए 1 और 3 तक आ जाएंगे आप, ठीक है। अब विंडो ड्रॉ कराना आपको सिखा रहा हूँ। फिर है देखिए y के लिए 6 है, तो ये 6 से ऐसे ले लें, और पॉजिटिव साइड के लिए ये जाएगी कहां तक, 3 तक जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से विंडो को क्लिप कर लेता हूं यहां पे, और उसके बाद ये 6 है और क्या है, माइनस 3 और 1 था, माइनस 3 और 1 के दरमियान ये आ गया, फिर 2 और 6 है, तो ये 2 है, सॉरी आगे ले गया हूं, ये 2 और 6 आ गया, और इसको इस तरह से हम विंडो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास विंडो आ गई। अब हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए 1 और 1, मेरे पास 1 और 1 ये मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये देखिए इसके ऊपर लग गया है। उसके बाद है माइनस 2 और 3, माइनस 2 और 3 ये रहा, ये लगा हुआ है, तो ये तो आपने डॉट लगा लिया। पहली लाइन तो आपको मिलेगी लाइन वन, ये वाली, ये कौन सी है, एल वन, ठीक है। इसी तरीके से माइनस फोर और टू, माइनस फोर किधर है, ये रहा, और टू किधर है, ये रहा, माइनस फोर और टू के दरमियान ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं डॉट लगा देता हूँ, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। माइनस वन और सेवन, माइनस वन और सेवन ये रहा, ठीक है, इसके दरमियान ये डॉट लगा लिया। तो दूसरी लाइन क्या बन गई मेरे पास, ये वाली लाइन, लाइन टू। अब लाइन थ्री, लाइन थ्री कैसे आएगी, माइनस वन और फाइव, माइनस वन और फाइव ये रहा, ठीक है, और थ्री और एट, थ्री ये रहा और एट ये रहा, और यहां पे जाके कुछ थ्री और एट के दरमियान आऊंगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा हो जाएगा, इस पॉइंट को क्या करूंगा, ये आपस में मिला दूंगा, तो ये लाइन थ्री आ गई। सिंपली अब क्या किया है, हमने विंडो के अंदर लाइन को ड्रा किया। सबसे पहले हमने विंडो ड्रा की किससे, कि लेफ्ट और राइट को देख के कॉर्नर्स को, माइनस थ्री है, माइनस थ्री और वन पे था, तो माइनस थ्री और वन ये हमारे पास मिला था, तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारे पास है टू और सिक्स, तो टू हमारे पास ये था और सिक्स ये था, तो यहाँ तक ये आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया और इसको आपस में हमने क्लिप कर लिया। अब विंडो हमारी बन गई, विंडो बनने के बाद हमने लाइन्स ड्रा किया, मैंने लाइन आपको ड्रा करके बता दी किस तरह से है, विंडो का मैक्सिमम और मिनिमम ये सारा हमने ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने लाइन वन के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि लाइन ब्रेस के एल्गोरिदम क्या करता है कि हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है,
और डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है कि वाई टू माइनस वाई वन। ये मेरे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को मालूम करने का फॉर्मूला है। अब क्या है मेरे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को किस तरह से मालूम करूंगा। मैं पहली लाइन के लिए देख रहा हूं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टू क्या है, एक्स टू है माइनस टू, माइनस टू ठीक है माइनस। अब क्या है एक्स वन क्या है मेरे पास वन है तो वन आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा लाइन वन के लिए माइनस थ्री आ जाएगा। क्लियर। लाइन टू की लाइन वन के लिए मेरे पास डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू थ्री वाई थ्री माइनस वन, तो डेल्टा वाई आ जाएगा टू। अब क्या है लाइन वन के लिए मेरे पास जो आए हैं मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, लाइन वन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो मिले हैं मुझे माइनस थ्री और टू। ठीक है कौन से हैं ये हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये वाले। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पॉइंट्स निकालूंगा लाइन टू के और लाइन थ्री। लाइन टू के लिए निकालूंगा वैल्यूज को, तो लाइन टू के लिए वैल्यूज क्या है कि डेल्टा एक्स क्या है माइनस वन माइनस माइनस फोर, ठीक है एक्स वन ये आ गया, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा और डेल्टा वाई क्या आ जाएगा लाइन टू के लिए पहले मेरे पास आ गया थ्री आ गया। नेक्स्ट मैं डेल्टा वाई को निकालता हूं, इसी के अंदर डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई टू क्या है सेवन माइनस टू, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू फाइव, यहां पे आ जाएगा अब थ्री के लिए एल थ्री लिख के निकालता हूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस माइनस वन, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फोर। इसके लिए आ जाएगा लाइन थ्री के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई आ जाएगा फोर, और डेल्टा वाई क्या आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एट माइनस फाइव, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये विंडो भी आपके सामने क्लिप हुई हुई है, ठीक है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लाइन वन के लिए ये है, ठीक है लाइन टू के लिए ये है, लाइन थ्री के लिए ये है, ये मैंने फाइंड आउट करके आपके सामने लिख दिया है। विंडो का मैक्सिमम विंडो का मिनिमम विंडो का मैक्सिमम मिनिमम ये आ गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इसी साइड पे कि क्या चीज है, और इस साइड पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये इरेज कर दूंगा ये वाली वैल्यूज जो आपके सामने लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री क्वेश्चन दिया हुआ है। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तीनों लाइन्स का मैंने निकाल लिया है, अब हम इसको एक एक को उठा के लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पी वन हमने मालूम करना है, P1 क्या होता है माइनस डेल्टा x, P2 क्या है डेल्टा x होगा, ठीक है P3 क्या है माइनस डेल्टा y, P4 क्या है डेल्टा y है। अब पहली लाइन लाइन वन के लिए कौन सी लाइन वन के लिए जो वैल्यूज हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो माइनस थ्री माइनस 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 थ्री, तो ये आ जाएगा प्लस का थ्री, तो यहां मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा प्लस का थ्री डेल्टा एक्स आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स पॉइंट वन आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट टू के लिए हमारे पास डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स ऑलरेडी माइनस थ्री है तो माइनस थ्री आ जाएगा, डेल्टा वाई क्या है डेल्टा वाई है टू, तो यह आ जाएगा माइनस टू, डेल्टा वाई खुद क्या है वो टू है। अब पॉइंट वन हमारे पास आ गए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ये ऊपर वाली जो लाइन है, तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए लाइन वन के। अब पॉइंट्स निकालने के बाद हमारे पास क्या है,
कि विंडो का मैक्सिमम विंडो के मिनिमम से Q1, Q2, Q3 हमने लेने हैं। Q1 क्या है मिनिमम, Q1 है X1 क्या है, X1 है 1 माइनस, और विंडो का मिनिमम क्या है, वो विंडो का मिनिमम है -3। तो -3 करूंगा तो मेरे पास Q1 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और Q1 क्या आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्ट जो है 4 लिख देता हूँ। Q2 क्या आ जाएगा, X विंडो का मैक्सिमम क्या है, X विंडो का मैक्सिमम है 2, ठीक है, और माइनस क्या होगा X1 क्या है 1। तो Q2 क्या आ जाएगा 2 - 1 = 1, तो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अब Q3 की बात करते हैं, Q3 में क्या है, Y1 क्या है, Y1 है जी ये वाला 1 जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस विंडो का मिनिमम क्या है, विंडो का मिनिमम है जी 1, ठीक है, तो Q3 = 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। अब Q4 की वैल्यूज लेते हैं, Q4 है मेरे पास विंडो का मैक्सिमम 6 माइनस एक्स वाई 1 6 माइनस 1 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा Q4 = 5। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ आपके पास PDF घूम रही होंगी, तो यहाँ पे Q3 = 3 और +1 लिखा होगा 4, तो वो रॉन्ग है। किस वजह से रॉन्ग है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम यही है जो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू 3 होती तो फिर हम यहाँ पे ये करते, मिनिमम वैल्यू हमारे पास मान्य है। अब हमारे पास क्या है, दो केस है, अगर पीके की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके लिए फार्मूला ये यूज होगा, अगर पीके की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो ये वाला फार्मूला होगा। अब क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ T1 = मैक्सिमम, मैक्स लिखूंगा इसी तरीके से 0 लिखूंगा। Q1 क्या है मेरे पास, Q1 है 4 डिवाइडेड बाय P1 क्या है 3, ठीक है, और Q3 क्या है -2 डिवाइडेड बाय Q3 की बात कर रहे हैं, Q3 है मेरे पास -0 डिवाइडेड बाय P3 है -2, ठीक है। तो ये T1 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ मैक्सिमम करके, मैक्स लिख के 0 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा तो 1.33 आ जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है। T1 लूंगा यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यूज देखूंगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए 1, Q2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय P2 क्या है -3, और Q4 क्या है, Q4 है जी 5, और P4 है जी मेरे पास 2। तो इन सारे को सॉल्व करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय -3 करूंगा तो -0.33 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा साथ में, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी T1 आ जाएगा = उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2 तो 2.5 आ जाएगा। अब जरा इसमें से मिनिमम वैल्यू लूँ तो 0.33 आ जाता है, तो मैं लूंगा T1 मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास -0.33 इन केस ऑफ ग्रेटर देन 0, कि 0 से जो बड़ी वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद T1 आ जाएगा, तो T1 के लिए मैं यहाँ पे लूंगा मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है 1.33, T1 = मैक्सिमम आ जाएगा 1.33। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, X = X1 + T Δx जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है लाइन बर्स के एल्गोरिदम के लिए। X = X1 क्या है, तो X1 है हमारे पास 1 प्लस T1 क्या है हमारे पास, T1 है जी -0.33
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स हमारे पास था माइनस थ्री, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको देखते हैं, देखते हैं क्या इज इक्वल टू वन प्लस जब माइनस 0.33 को मल्टीप्लाई करके माइनस थ्री के साथ तो 0.99 आंसर आ गया। तो इसको मैं प्लस करूंगा वन के साथ तो 1.99 आ जाएगा एक्स है। तो उसको राउंड आउट करके मैं लिख दूंगा यहीं पे 1.99 आएगा, तो मैं इसको राउंड आउट करके 2 कर दूंगा। तो x मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा क्या 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 2 है। अब इसी तरीके से y की वैल्यूज लूंगा, अब हमारे पास y क्या है, y1 क्या है, हमारे पास y1 है 1 प्लस t क्या है हमारे पास माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई क्या था, डेल्टा वाई था 2 के साथ। अब जरा इसको फाइंड आउट करता हूँ, माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस 1 प्लस माइनस 0.66 आ जाएगा। तो ये जब आ जाएगा तो 1 माइनस 0.66 करूंगा, 1 माइनस 0.66 किया तो 0.34 आ गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, जीरो लिख दूंगा कि y की जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया x2 और y0। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट, न्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है, वो है मेरे पास 2 और 0, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड आउट करता हूं नेक्स्ट t2 के साथ, सॉरी y1 क्या है मेरे पास, y1 है जी 1, ठीक है, प्लस t क्या है मेरे पास, t है 1.33 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास है डेल्टा y, डेल्टा y क्या है 2। तो y के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इसको आगे नेक्स्ट लिख देता हूं। इसी तरीके से x करूंगा, x1 क्या है 1 प्लस 1.33 और डेल्टा x क्या है माइनस 3। अब जरा इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं क्या है, 1.33 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो माइनस 3.99 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 3.99 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसको कर देता हूँ तो मैं प्लस 1 करके तो आंसर आ जाएगा इसका टोटल का माइनस 2.99। इसको राउंड आउट करके 3 लिख दूंगा क्योंकि 99 को कन्वर्ट कर दिया 3 में। इसी तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.33 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2.66 आ जाएगा, 1 प्लस 2.66 इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3.66। तो इसको भी मैं राउंड आउट करके 3 लिख दूंगा। अब इस सारे को मैं इरेज कर देता हूं, ये वैल्यूज जो फाइंड आउट हो गई हैं। तो आपने क्वेश्चन के एंड पे क्या लिखना है जरा उसको समझिए। तो एंड पे आपने ये लिखना है कि लाइन 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 2 और 0, एंड हमारे पास एंडिंग पॉइंट जो थे जो हमने अभी निकालने हैं वो है 3 और 3। अब जरा देखें 0 से 2 तक लाइन 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह जब हम लाइन को ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग होगा, तो फिर इस तरह से हम क्लिपिंग एंड में करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की लाइन 2 के अंदर क्या है हमारे पास, लाइन 2 के अंदर माइनस 4 और 2 था, माइनस 1 और 7 था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया। अब हमने क्या करना है, इससे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमने ले लिया था 3 और 5 स्टार्टिंग में ही, तो अब हमने पी वन और क्यू वन लेना है। पी वन क्या था, माइनस डेल्टा एक्स, तो माइनस डेल्टा एक्स क्या, डेल्टा एक्स है 3 तो माइनस 3 आ जाएगा, तो P2 क्या है 3 आ जाएगा, माइनस डेल्टा वाई था P3 तो वो आ जाएगा माइनस 5 और 5। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब जरा Q1 और Q2 Q3 की बात करते हैं। Q1 क्या आ जाएगा, X1 क्या है इस पॉइंट के अंदर, -4 है, -4 माइनस विंडो का मिनिमम एक्स क्या है, मिनिमम एक्स है -3, तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3, तो मेरे पास Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहां पे सॉल्व करके लिख दिया डायरेक्ट। अब इसी तरीके से Q2 लूंगा, Q2 क्या है, एक्स विंडो का मैक्सिमम क्या है, वो है 2 माइनस विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये 1 है, x1 -4 है, -4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2, Q2 इज इक्वल टू 6 Q1 है। अब मैं Q3 की बात करूंगा, Q3 क्या है, y1 क्या है मेरे पास, यहां पे 2 है, Q3 क्या है 2 है, 2 माइनस और विंडो का मिनिमम क्या है, विंडो का मिनिमम है मेरे पास y1, तो वो 1 करता हूं, तो y1 क्या है मेरे पास, y1 है यहां पे 2, ठीक है, माइनस विंडो का मिनिमम y क्या है, y1 है, -1 हो जाएगा, तो Q3 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो Q3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब Q4 को निकालते हैं, Q4 इज इक्वल टू क्या है, Q4 क्या है, y विंडो का मैक्सिमम क्या है 6, ठीक है, माइनस y1 क्या है, y1 है हमारे पास 2, तो ये Q4 आ जाएगा हमारे पास 4। ये क्वेश्चन तो हो गया जी यहीं पे सॉल्व। अब जरा सीधे आ जाते हैं यहां पे T1 के अंदर, T1 इज इक्वल टू ये T2 है, मैक्सिमम 0, Q1 क्या है हमारे पास -1 ओवर, P1 क्या है -3, ठीक है, Q3 क्या है, Q3 1 ओवर, P3 क्या है -5 डाल दिए इसको यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, T2 को सॉल्व करते हैं, Q2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, Q2 क्या है, Q2 है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि P2 3 है, तो Q4 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आंसर निकालते हैं, डिवाइड किया -1 ओवर -3 को तो 0.33 आ गया, और 1 और डिवाइडेड बाय -5 किया तो -0.2 आ गया, इसी तरीके से 6 को डिवाइड किया 3 से तो 2 आ गया, 4 को डिवाइड किया 5 से तो -0.8 आ गया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0.33 है, तो 0.33 ले लेता हूँ। T2 में क्या है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है 0.8, तो ये 0.8 आ गई T2 के अंदर। अब x के अंदर हम इसको डालते हैं, x इज इक्वल टू x1 क्या है, x1 है -4, ठीक है, प्लस टी क्या है हमारे पास, टी है जी 0.33, और डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स था लाइन 2 के लिए 3, तो इसका आंसर निकालते हैं। मैं फिर इसी तरीके से y को डाल देता हूँ, इसी तरीके से y1 क्या है, y1 है मेरे पास 2, ठीक है, प्लस 0.33, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई क्या है 5, इसका आंसर अभी लिखते हैं। जब 3 को मल्टीप्लाई किया 0.33 से तो वो आ गया 0.99, तो -4 को किया तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास टोटली आ जाएगा ये वाला -3.01, ठीक है, तो जब इसको प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.65, तो इसको राउंड आउट करके, ठीक है, मैं -3 कर दूंगा, ये राउंड आउट होके -3 हो जाएगा, और ये राउंड आउट करके मैं इसको 3 कर दूंगा, -3 और 3 मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएंगे किसके, लाइन 2 के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L2 इज इक्वल टू मेरे पास है -3 और 3 स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास क्या है कि x क्या है, x के अंदर मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -4 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 होगा,
इसी तरीके से ये हो जाएगा x, जस्ट मेरी वैल्यूज 0.8 चेंज होगी, बाकी वही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं y ले लेता हूँ, y के लिए क्या है 2 + 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया 2.4, माइनस 4 आ जाएगा तो वो आ जाएगा -1.6। तो जब मैंने 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 4, 2 + 4 किया तो 6 आ जाएगा। तो मेरे पास लाइन 2 के एंडिंग पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -1.6, और -1.6 को मैं राउंड आउट कर दूंगा -1 के साथ तो -1 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लाइन 2 के भी आ गए। अब लाइन 3 को निकालते हैं और उसके बाद हम जो है विंडो को ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे लाइन 3 के, लाइन 3 में -1 और 5, 3 और 8 है, तो डेल्टा x क्या है मेरे पास 4 है, डेल्टा y क्या है हमारे पास लाइन 3 के लिए हमारे पास है 3 डेल्टा y। अब क्या करना है, हमारे पास पॉइंट्स निकालने हैं, तो हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स होता है 0.1 तो -4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, माइनस डेल्टा वाई और डेल्टा 4 आ जाएगा। Q1 और Q2, Q3 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 क्या है, X1 हमारे पास क्या है -1, ठीक है -1 Q1 के लिए, ठीक है यहीं पे निकाल दूंगा तो -1 आ जाएगा। -1 के बाद क्या है माइनस, और W विंडो का मिनिमम क्या है -3, तो ये क्या आ जाएगा -1 + 3 तो ये आ जाएगा Q1 = 2 आ जाएगा मेरे पास। Q1 में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं Q2 को फाइंड आउट करूँगा, Q2 के अंदर क्या है, विंडो का मैक्सिमम क्या है, विंडो का एक्स मैक्सिमम क्या है, एक्स है 2, ठीक है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद क्या है X1 क्या है -1 तो Q2 = 1 आ जाएगा, Q2 = 1 कर दिया। इसी तरीके से Q3 को फाइंड आउट करूंगा, Q3 के लिए Y1 तो Y1 के लिए हमारे पास है 1, ठीक है माइनस विंडो का सॉरी Y1 क्या है, Y1 है 5, ठीक है माइनस विंडो का मिनिमम है 1 तो Q3 = 4 तो यहाँ पे Q3 = 4 आ जाएगा। ठीक है Q4 लेता हूँ, Q4 के लिए क्या है विंडो का मैक्सिमम है यहाँ पे 6 और मेरे पास माइनस y का मिनिमम क्या है y1 क्या है 5 तो मेरे पास Q4 = 1 आ जाएगा, Q4 = 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हमारे पास आ गया, सीधा हम T1 की तरफ आएंगे, T1 में डालेंगे वैल्यूज। T1 के लिए हमारे पास मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम के लिए क्या है 0, Q1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय P1 -4, ठीक है उसी तरीके से हमारे पास है Q3 हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय P3 तो P3 -3 आ जाएगा। इसी तरीके से T2 के लिए मिनिमम लेंगे और 1 आ जाएगा। Q2 क्या है, Q2 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस और P2 4, ठीक है Q4 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय P4 तो P4 है हमारे पास 3। तो अब इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। 2 को डिवाइड किया -4 से तो -0.5 आ गया, तो 4 को डिवाइड किया -3 से तो -1.33 आ गया। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है वो 0 है, ठीक है तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनिमम वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं। ठीक है मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है T2 में, जब 1 को डिवाइड किया 4 से तो 0.25 आ गया, तो 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.33 आ गया, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0.25। ये T1 आ जाएगा हमारे पास और ये T2 आ जाएगा। अब क्या है X = X1 क्या है हमारे पास X1 = X1 + T∆x, ठीक है x की जगह y = y1 + t∆y, इसको फाइंड आउट करना है। x1 क्या है हमारे पास, x1 है जी -1 प्लस t हमारे पास क्या है 0, उसके बाद हमारे पास है डेल्टा
एच, डेल्टा एच हमारे पास क्या है, डेल्टा एच है 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास y की वैल्यूज लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 क्या है 5, ये रहा प्लस, तो 5 है 0 आ गया, ठीक है, t हमारे पास t1 था, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई 3 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा, किसके लिए, जब हमारे पास ये आ जाएगा, तो लाइन 1 के लिए स्टार्टिंग 1 और 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 0 और 4 किस तरह से आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 0.25, और यहाँ पे भी 0.25, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यूज को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, राउंड आउट करेंगे हम इसको, तो ये 4 point something बनेगी 25, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, राउंड आउट करके 4 कर दूंगा, 0 और 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इस विंडो को क्लिप करके बनाया हुआ, ये विंडो हुई हुई है हमारे पास क्लिपिंग जैसे पहले थी 3 पे। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 2 और 0 बिल्कुल हमारे पास यहीं पे होगा एंड पे, तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। फिर है 3 और 3, यहाँ पे पॉजिटिव 3 है और यहाँ पे मेरे पास ये वाला 3 है, और इसको मैं ले जाऊंगा और ये बन जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है, और ये एक लाइन यहाँ पे क्लिप होगी। उसके बाद हमारे पास है -3 और 3, -3 ये रहा, और इसके ऊपर ये लाइन लगाऊंगा, और कहाँ पे ये -3 और 3, -3 का ये रहा और +3 ये रहा, तो मेरे पास ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पॉइंट बनेगा। -1 और 6, -1 ये रहा और 6 ये रहा, कुछ इस तरह से, और ये एक क्लिपिंग लाइन ये बनेगी। 1 और 5 है, 1 ये रहा और 5 ये रहा। इसी तरीके से 0 और 4 है, तो 0 ये रहा और 4 ये रहा, और ये लाइन क्लिप होगी। इस तरह से हमारे पास ये विंडो क्लिपिंग होगी। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लर्न विद मोहसिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाले लेटेस्ट लेक्चर सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।